गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू कबड्डी अड्डा। हम एजेड एकेडमी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये वीडियो हमारे साथ शेयर किया ताकि हम इस वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी तक पहुंचा सकें। कबड्डी फैंस की डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है जिसमें दो स्किल की प्रैक्टिस एक साथ होगी, जहाँ क्योंकि हमें रोज़ कॉमेंट पर आते हैं, मैसेजेस पर आते हैं कि लायन जंप किस तरीके से लगाया जाता है और डुबकी किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में हम वो दोनों चीज़ें सीखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए कि जिस ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करें वहाँ पे चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट मड होना चाहिए ताकि आपको कोई चोट ना आए। यहाँ अब हम देखने वाले हैं कि लायन जंप और डुबकी दोनों की प्रैक्टिस एक साथ किस तरीके से किया जाता है। एक लड़का आएगा, जंप करेगा और वो आगे आके खड़ा हो जाएगा ताकि दूसरे वाला लड़का डुबकी लगा सके। देखिए, जंप डुबकी। अभी यहाँ पे जो है, ये एक दो लड़के यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं कि वो जंप लगाते समय पैर को ऊपर से नहीं ला रहे हैं, बल्कि जो लड़का नीचे झुका हुआ है उसके सर और कमर के पास से लेकर जा रहे हैं पैर फैला के। वो गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे लड़के एक साथ इस स्किल की प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि गलती क्या है और उस गलती को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम एक एक के बाद एक, जो सबसे पहला लड़का होगा वो सबसे नीचे झुका हुआ होगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर, उसके बाद थोड़ा और ऊपर, और सबसे लास्ट में सबसे लंबा लड़का खड़ा हो सकता है। जब ये जंप करेगा तो एक के बाद एक हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ने से क्या होगा कि आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप जंप करेंगे, और आपका जंप भी इम्प्रूव होगा। देखिए, इस लड़के ने बहुत अच्छा किया। यहाँ पे कुछ लड़के गलती करते हैं कि जब वो जंप करने आते हैं वो पैर को इस तरीके से दोनों तरफ से लेकर जाते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो कैच हो जाएगा। आपको करना है कि कूदे और दोनों पैर ऊपर से जाना चाहिए ताकि कैच ना हो। देखिए, अब हम यहाँ पे डुबकी लगाना सीखेंगे। जब ये डुबकी लगा रहे हैं तो बहुत ही नीचे झुकना ज़रूरी है। ये जंप किया और इसके तुरंत बाद इसको बहुत नीचे तक झुकना है, इतना झुकना है कि पूरा ज़मीन तक बैठ जाना है। देखिए, जंप के बाद एक पैर आगे लाए, उसी पैर के सहारे से आपको बिल्कुल नीचे तक चले जाना है, इतना नीचे कि आप आसानी से निकल जा सके, बिल्कुल बैठ जाना है ज़मीन के बिल्कुल करीब, और उसके बाद सीधा सेंटर लाइन की तरफ। अब ये करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से करके दिखाना है। अब हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि लायन जंप को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जब मैच होता है, मैच के समय पर इसको किस तरीके से करना है। अभी तक हमने जो सीखा था वो इंडिविजुअल था, अब हम मैच के सिनेरियो में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ये लड़का अभी करके दिखाएगा। बहुत बढ़िया, ये जो था ये किया इन्होंने वॉल्ट। इसी तरीके से एक और होता है जो होता है रोलिंग। वॉल्ट में क्या होता है, आपका हाथ डिफेंडर के ऊपर जाता है और फिर आप उसके सहारे से कलाबाजी खा के नीचे पहुंचते हैं। ये जो करा इसने ये था रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी ज़मीन पे टच होती है आप रोल लगाकर आगे चले जाते हैं। ये बहुत आसान होगा आपके लिए करना अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो मैच के समय पर आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा, आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग हाइट के लड़के आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी जंप इम्प्रूव हो। देखिए, ये ऊंचा है और इसने अभी ये जो किया है ये था वॉल्ट। ये देखिए, ये है रोल। एक और तरीका है इस स्किल को प्रैक्टिस करने का, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग शुरू कर रहे हैं उनकी हाइट बहुत ही छोटी रखी है। जितनी छोटी हाइट होगी आपके लिए शुरुआत में वो उतना ही आसान होगा। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये वॉल्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वॉल्ट में क्या होता है कि आप डिफेंडर का सहारा लेते हैं और अपनी पूरी बॉडी को हवा में रोल करते हैं और आगे जाके फिर खड़े हो जाते हैं ताकि आपके और जो जितने भी दोस्त हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकें आपके साथ। देखिए,
कितनी आसानी से ये लड़का कर सकता है क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस करता है इस चीज़ की। अब वॉल्ट के बाद ये सभी लड़के रोलिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि इसी तरीके से रोल का जंप हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं घर पे। सेम हमने हाइट छोटी रखी है, अब ये डिफेंडर आएगा और रोल करेगा। रोल क्या होता है, उसमें आप डिफेंडर की बॉडी को ज़रा भी टच नहीं करते हैं। ये देखिए, इसने बिल्कुल भी टच नहीं किया और बॉडी के ऊपर से पूरी तरीके से वो आगे गया। आगे जाके फिर उसने रोल किया ज़मीन पर, ये देखिए। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमें रवि सर किस तरीके से रोल किया जाता है वो बताने वाले हैं। रोल करने के लिए आपको अपने कंधे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी बॉडी ज़मीन के कॉन्टैक्ट में आएगी, ये देखो, इन्होंने कंधे का इस्तेमाल किया और खड़े हो गए। हमने अभी इस वीडियो में देखा कि लायन जंप कैसे करते हैं, डुबकी कैसे करते हैं, लायन जंप के दो तरीके हैं वो देखा, और हमने ये भी देखा कि इस स्किल को हम अपनी बॉडी के अंदर इनबिल्ट कैसे करें कि किसी भी सिचुएशन में ये इजीली हम कर सकें। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आप जब भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चिकनी मिट्टी के ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करें, वरना आपको चोट लग सकती है। हमारे लिए इजी था इस एकेडमी के बच्चों को यहाँ बीच पर लेकर आके प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये बीच 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट मिट्टी के ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। कृपया आप इस स्किल को अपने घर पे प्रैक्टिस करें, सॉफ्ट ग्राउंड पे ही प्रैक्टिस करें। हमारे साथ अपने वीडियो शेयर करें जब आप अच्छे से इसको कर पाएँ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पर, और कबड्डी अड्डा को सब्सक्राइब करें।